हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम केवी इन कनाडा। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में जो बहुत से लोगों के माइंड में रहते हैं रिलेटेड टू कनाडा। हम वो सब पुरानी बातें जो यूट्यूब पे आजकल चल रही है उस बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ डिफरेंट, कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन ही शेयर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि व्हाट काइंड ऑफ सैलरीज डू यू एक्सपेक्ट व्हेन यू लैंड एज प्रोफेशनली क्वालिफाइड पीपल। अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड पीपल का मतलब यहाँ पे है, जैसे मैं अपने प्रोफेशन के बारे में बात करूँ तो आई एम एन अकाउंटेंट हेयर। इंडिया में मैं एज एन अकाउंटेंट ही काम करता, बीट सी ए ए सी सी ए सी पी ए सी एम एस, किसी भी अकाउंटिंग फील्ड को लेकर आप बात कर लो। तो उसमें क्या सैलरीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो व्हेन यू कम इन कनाडा एंड वर्क एज अ प्रोफेशनल अपने ही फील्ड से रिलेटेड। जैसे हम दोनों का प्रोफेशन सेम है तो अगर आप लोग यहाँ पर एक्सपीरियंसड आ रहे हैं तो द सैलरी रेंज दैट यू कैन एक्सपेक्ट वो रेंज स्टार्ट होती है 70,000 to 80,000, और डिपेंड करता है आप किस प्रोफेशन में हो। जैसे हम लोग अकाउंटेंट्स हैं तो हमारी प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली हमारी जो सैलरी रेंज है वो यहाँ से बिगिन हो जाती है। Yes, you can expect it to be somewhere around 70,000-75,000 for a start. अगर आप एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो 5-6 साल, 4-5 साल, अगर एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपको 1 लाख प्लस $100,000 भी आपको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको यहाँ पे सैलरी मिल जाएगी। बट वेन वी टॉक अबाउट फ्रेशर्स, फॉर समवन हु हैज ऑलरेडी लाइक स्टडीड हियर, जो यहीं पे पढ़ाई करके अकाउंटिंग के कोर्स में यहीं से निकला है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप स्टार्टिंग में किसी छोटी फर्म या छोटी सीपीए के पास काम कर सकते हो टू गेन सम कैनेडियन एक्सपीरियंस। उसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट कि आप 50,000 के अराउंड $50,000 एनुअली यू कैन एक्सपेक्ट योर सैलरी टू बी अराउंड दैट मार्क। अब और जब इतनी प्रोफेशंस और जॉब्स के बारे में बातचीत हो ही रही है तो नेक्स्ट रेलेवेंट क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो ये आता है कि क्या यहाँ पे इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं स्पेशली फॉर दोस पीपल हु आर ऑलरेडी इन सम अदर प्रोविंस, और जो दूसरे प्रोविंस से अटलांटिक कनाडा या नोवा स्कोशिया न्यू ब्रुंसविक साइड किसी और प्रोविंस में मूव होने की सोच रहे हो, तो क्या यहाँ पे इतनी रेलेवेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर स्पेशली फॉर द प्रोफेशनल्स हु आर ऑलरेडी हैविंग अ गुड जॉब बैक इन कनाडा और बैक इन इंडिया। अब इसका आंसर है यस एंड नो। आई नो इट्स अ वेरी डिप्लोमेटिक आंसर बट ये पार्ट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इन आर स्पेशल केबी इन कनाडा एफएक्यू सीरीज जहां पे हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के सारे आंसर देते रहेंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय फॉर नाउ।